उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर सेक्टर 18 में पूर्व आईजी डीसी पांडे के घर में शनिवार रात करीब 11 बजे आग लग गई। आग में पूरा परिवार फंस गया। पुलिस के साथ मिलकर दमकल कर्मियों ने डीसी पांडे, उनकी पत्नी और बेटे को आग पर काबू पाकर घर से बाहर निकाला। इसके चलते सभी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डीसी पांडे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी और बेटे की हालत को खतरे से बाहर बताया है। बता दें कि पूर्व आईजी डीसी पांडे ने घर में आग लगने पर पहले खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर शोर मचाया। इसी दौरान घर से धुआं और आग की लपटें देख पड़ोसियों ने दमकल और पुलिस को सूचना दे दी। इसी बीच आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा घर लपटों से घिर गया। आग की सूचना मिलते ही गाजीपुर इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा और इंदिरा नगर FSO अजय सिंह 3 दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने बिजली की लाइन कटवाने के साथ ही आग पर काबू पाने के लिए पानी फेंकना शुरू कर दिया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसी बीच पूरे घर में धुआं भर गया। जब दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी घर में घुसे तो धुआं के चलते सांस लेने और देखने में दिक्कत हो रही थी। इसके लिए दमकल कर्मियों को ब्रीदिंग ऑपरेट सेट पहनना पड़ा। घर की पहली मंजिल पर परिवार के फंसे होने पर तलाशी अभियान चलाया गया। दमकल कर्मी ड्रैगन टॉर्च जलाकर घर की पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां दरवाजे के पास ही पूर्व आईजी डीसी पांडे बेहोश पड़े थे। वहीं उनकी पत्नी अरुणा और बेटा शशांक कुछ ही दूरी पर बेसुध पड़े थे। तीनों को पुलिस कर्मियों ने हाथों का स्ट्रेचर बनाकर नीचे लाए, फिर सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।